बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत मुबारक हो। रमज़ान का बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है, अल्लाह पाक इसकी रहमतें और बरकतें हम पे नाजिल फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन की बूंदी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार में हमें पता भी नहीं होता है कि ये किस ऑयल में बना के तैयार की जा रही होती है। तो आप इसको हेल्दी वे में घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। इसे स्टोर करना भी बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसको स्टोर करके पूरे मंथ के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में आप इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसन की बूंदी के लिए हमें सबसे पहले बेसन चाहिए 3 कप। इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, हल्दी ऐड किया है 1 पिंच, ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इन तमाम अज्जा को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हमें इसका एक अच्छा सा रनी लिक्विड बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक लिक्विड शेप में ले आएंगे इसको इस तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी रनी होनी चाहिए, तभी आपकी एक परफेक्ट बूंदी तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने विस्क लिया है, विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से बैटर को विस्क करेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब जब तक वो 15 मिनट के लिए हमने रखा है, तब तक हम यहाँ पे इसकी ट्रे जो है वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको ये छलनी दिखा रही हूँ, बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हो जाती है। हम इस टूल की मदद से जो है वो बूंदी बनाएंगे। तो आप इस तरह से बैटर लीजिएगा और उसको जो है वो इस तरह ड्रॉप की शक्ल में ये नीचे ऑयल में गिरते रहेंगे। तो आपका हाथ जो है वो एक जगह कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मुसलसल आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये जुड़े नहीं और अलग अलग शेप में बन के तैयार हो जाए। मार्केट में बहुत तरह के टूल दस्तयाब होते हैं, बूंदी स्पेशल टूल भी होते हैं जिसमें होल्स होते हैं। आप कफगीर की मदद से भी इसको बना सकते हैं, स्पैचुला की मदद से भी बना सकते हैं। हाई हीट पर हम इसको कुक करेंगे। अब मैं आपको एक और तरीके से इसको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर सेम ऑयल है, यह हाई फ्लेम पर है। यहाँ पे मैंने पोटैटो मैशर लिया है। अगर आपके पास छलनी अवेलेबल नहीं है तो आप पोटैटो मैशर अगर अवेलेबल है तो आप इसकी मदद से भी बूंदी बना सकते हैं। बस मेथड यही है कि आपने एक जगह पे हाथ नहीं रोकना, बल्कि आपको इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे ताकि बूंदी जो है प्रॉपर शेप में बनती रहे। और इसको हाई हीट पर ही कुक होगा, ये हाई फ्लेम पर हम इसको तब तक करेंगे जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जैसे इस पे गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। सो व्यूवर्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये बनके बहुत ही क्रिस्पी और ताज़ा बनके तैयार होती हैं। आप इसको बहुत ही आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और आप इसको जिप लॉक बैग में रख के फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये पूरे 1 मंथ के लिए सेव हो सकती है। तो आपने देखा है कितनी झटपट तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।